अज जिस मुद्दे दे उत्ते आपां सारे एकत्र होए हाँ तुहानू प्रैस और प्रिंट मीडिया नूं असीं सदा दित्ता साढ़े लुधियाणा सूई मशीन असैंबल एंड डीलर एसोसीएशन दे आपां ऑफिस बैठे हाँ। साढ़े प्रधान जी तरन जी, बिनी मखीजा जी और साडी सारी समुची टीम मैंबर साहबान इत्थे हाजिर ने। ये करीब अगस्त महीने दे विच लखविंदर सिंह नां दा एक व्यक्ति है जिहदी कंपनी है कोई ट्रैवल जोन इमीग्रेशन, तो एक कोई सबसिडरी कंपनी है ड्रीम जोन कर ड्रीम वकेशन करके। साढ़े 92 मैंबरस ने उन्होंने करीब 25,000 पर हैड के हिसाब न कोई 24-25 लाख रुपया पे किया टूर पर जाने लई, गोवा के टूर वास्ते। साड़ी जिहड़ी एसोसीएशन आ लक्कड़ बाजार वाली साड़ी एसोसीएशन, ये एसोसीएशन साल दे विच कोई 2 या 3 टूर लाउंदे ने। कुछ टूरिंग असी करते हैं जिहड़े असी MSME जां NSIC दे सहयोग नाल सरकार वल्लों हुंदे ने, जिहड़े बिजनेस टूर्स हुंदे ने। कुछ ट्रिप्स असी करते हैं जिहड़े अदर दूसरियां असी एसोसीएशन जां असी अपना बिजनेस वधाउण लई जांदे आ। फिर एक अद्धा असी कोई अपना वकेशनल ट्रिप रखते हैं जिहदे विच साडे मैंबरस कुछ समय लई छुट्टियां मनाउण लई बाहर जांदे आ अपने कारोबार तों कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन लैण दे लई। इह गोवा दा टूर सीगा, उस व्यक्ति ने लखविंदर सिंह ने जिहदी रहायश राहों रोड ते दसी जांदी आ, उत्थे दफ्तर भी आ उहदा सुंदर नगर दे विच, ते उहने साडे नाल डील कर लिया, असी उहनूं पेमेंट करती। पर जिस कंपनी ने सगड़ सन ने सानूं टिकट्स वगैरह करके देनियां सी, उहदे वल्लों मैसेज आउंदा साडे प्रधान जी नूं कि तुहाडी तां जिहड़ा चैक आ बाउंस हो गया। ते लखविंदर सिंह नूं कॉन्टैक्ट कीता जाणा शुरू होया, पर जवाब यह मिलता कि लखविंदर सिंह तां फरार है जी, उहदा फोन नहीं मिल रहा, वह जवाब नहीं दे रहा प्रॉपर। इन्होंने वो पड़ताल करनी शुरू की, जदों चारे बंदों पता लग्या कि वह बंदा सानू कोई फ्रॉड कर गया लगता, दैन यह करीब 25-26 अगस्त नूं मानयोग CP साहब लुधियाणा नूं मिले। इन्होंने अपनी कंप्लेंट दित्ती, CP साहब ने कंप्लेंट सुनी और 27 अगस्त नूं इन्हां दे मैसेज आ गया, इन्हां दे फोन नंबर जिहड़ा देखे असीं उहदे उत्ते, कि तुहाडी जिहड़ी कंप्लेंट आ फॉरवर्ड कर दित्ती गई आ कतवाली थाने नूं, तुसीं कतवाली थाने नूं जाके अगे कॉन्टैक्ट करो। ये 27 अगस्त तो लैके लगातार कोतवाली थाने दे लखबीर सिंह थानेदार साहब दे नाल अपना यह राबता रख रहे हैं। वो इन्हां दे कोलों डाकूमेंटेशन पेपर्स मंग रहे हैं, या कई बार इन्हां नूं बहाना लग जाता कि अज कोई VIP ड्यूटी लग गई, अज ड्यूटी ते नहीं आना। मोरओवर सारे क्योंकि व्यापारी भरा है, इन्हां दा व्यापार भी हरास हुंदा है, ये अपनी दुकानदारी या कारोबार छड्ड के रोज़ नहीं जा सकते। इहदे च जिहड़ी मैनूं सब तो मैं समझदा तुहाडे लई भी बड़ी हैरानीजनक गल लगी, जदों यह साडी मौजूदा बदलाव की सरकार होण च आई सी, तो माणयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब सरकार ने एक अपना नंबर जारी किया, अपनी एक ID जारी की सी कि तुहाडी कोई भी ग्रीवेंस है, जेकर कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी दफ्तर तुहाडी सुनवाई नहीं करता, तो तुसीं डायरैक्ट मुख्यमंत्री दे पोर्टल दे उत्ते अपनी कंप्लेंट पा सकते हो। तो आ कंप्लेंट 10 अक्तूबर की मुख्यमंत्री साहब को रिसीव हुई हुई है उन्होंने पोर्टल के उत्ते। 10 अक्तूबर तो लैके अज तक इन्हों ना कि बुलाया गया, ना ही इन्हों कोई इंसाफ मिले, ना ही इनके उत्ते कोई इन्हों की कंप्लेंट उत्ते कोई कार्रवाई हुई है। व्यापारी अज भी हरास ने। मैं हुण 2-3 सवाल ने तुहाडे राही मीडिया राही अफसर साहबानों भी करना चाहना कि जेडे साडा व्यापारी वर्ग आ, साडा व्यापारी वर्ग कोई इन्ना वेला नहीं हैगा, जे उहदे नाल कोई कदे ठगी हो गई जां कुछ हो गया, उहदी ड्यूटी बनदी आ कि तुहानूं टाइमली सूचित करे, तुहानूं अपनी कंप्लेंट दे, विधिवत तरीके नाल उहने देती, उस तो बाद कित्थे कित्थे जावे। फिर जिहड़े तुहाडे चैनल्स बने होए ने उह कम क्यों नहीं कर रहे? अगर CP साहब ने विदन 24 आवर्स मार करके थले भेज दिती, फिर थाने वालियां ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर असी CM साहब के पोर्टल के उत्ते पा चुके हैं 10 अक्तूबर की, हाल तक कितने कार्रवाई नहीं हुई? ये तो एक आम 420-420 का ठगी का वर्तारा है। तो फिर असी यह गल कि मन्नांगे कि जदों पंजाब कोई हीनियस क्राइम हुंदा है, कोई वड्डी घटना वापरदी है, उहदे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाऊगा। ये बड़ा मैं समझदा सीरियस इशू है। 100% सरकार की फेलियर है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। हाँ, नज़र आ रहा जी। मैं तो नहीं कहता कि मुख्यमंत्री को दिखाया गया पोर्टल, मुख्यमंत्री ने आप देखना होंगे, देखना तो अफसरशाही ने है। उन्होंने डाउन मार्क करके कंसर्न ऑफिसर तक गल भेजनी है, कितने गई? नहीं हुई।
मुख्यमंत्री साहब की फोटो लगी हुई है ऑफिशियल पेज है उन्होंने रिप्लाई नहीं आई कोई। देखो ये बड़ी वड्डी गल है कि अगर ऑफिशियल पेज के उत्ते भेजन तो बाद भी दस दस दिन लंघ रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही फिर तो साढ़े को सिर्फ तो सिर्फ की बचता अच्छा तो दरबार से ही आते को फरियाद कर सकते हैं तुम साड़ी आवाज़ उठालो तुम जे इमीग्रेसन के बाकी के साडे साड़िया एजेंसीज कम कर दियाँ शहर च बड़िया नामवर एजेंसियां भी कम कर दियाँ उन्हां तक भी तुहाडे राही मैसेज पहुँचाना चाहुंदा कि सो कॉल्ड कोई जिहड़ा भी लखविंदर सिंह सन ऑफ राम प्रताप सिंह ये ट्रैवल जोन चौधरी कंपलैक्स फस्ट फ्लोर नीयर पार डिपार्टमेंट स्टोर बस्ती जोधेवाल लुधियाना ये व्यक्ति जिन्हें फ्रॉड किया वह भी अगर देखने जो किसी संपर्क हैगा तो उन्होंने जल्दी तो जल्दी अपना कानून की जद स्थल लिया की साड़ी मदद कर और पुलिस प्रशासन को बेनती करते हैं और कल मिलेंगे भी अज क्योंकि सीएम साहब का दौरा अच्छ फिर तो अफसरशाही बिजी है नहीं मिल सकती कल 12 बजे का मैं टाइम लिया एसीपी साहब तो कल उन्होंने असी मिलेंगे तो मिल के कोशिश करांगे कि सानू इंसाफ जल्दी मिले जे ना मिले तुहाडे कोल आके फिर सारा कुछ दसांगे तुहानू असी तुहाडे माध्यम दे राही असी फिर चाहवांगे कि साडी आवाज़ बुलंद करते रहो तुसीं तुहाडा बहुत धन्यवाद जी। ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦ ਸਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਡੀਲਰਸ ਐਂਡ ਅਸੈਂਬਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਮੈਂਬਰਸ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਟ੍ਰਿਪ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਜਰ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪ ਔਰ ਟਰੈਵਲ ਜ਼ੋਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮੇਕ ਮਾਈ ਟ੍ਰਿਪ ਔਰ ਇਹ ਵੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ICICI ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ 24,000 rupees ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਕਿ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲੀ ਸੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ 24,66,000 rupees ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ 2,86,000 rupees ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਗੜ ਸੰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ 25/8 ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਹੋ ਗਿਆ 27/8 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਫਰੋਡ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਗੜ ਸੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੱਗੜ ਸੰਸ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਥਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਿਪੂਲੇਟਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਈ ਜਿਵੇਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ 27/8 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ FIR FIR ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬਣੇਗੀ ਲੇਕਿਨ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ CP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਮੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UID ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਕੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
इन्हों इन्हे नंबर पर मैसेज आ जाता है कि तुहाड़ी कंप्लेट जी है असी रिसीव कर ली है, UID नंबर जनरेट हो गया और तुहाड़ी कंप्लेट असी कोतवाली थाने नूं भेज दिती है। ये 27 अगस्त तो लैके कोतवाली थाने दे विच चक्कर कढ़ रहे हैं। वो कदे इन्हां को कुछ डाकूमेंट्स मंग लेंदे आ, कदे कुछ डाकूमेंट्स मंग लेंदे आ, कदे वो कह देंदे कि साडी वेपी ड्यूटी लग गई अज असी नहीं आ सकते। मैं जिहड़ी इस गल जिहड़ी मैं हुण सारी तुहाड़े विच बैठ के समझ चुक्या ये है कि CP साहब ने तो उपरों अपनी कार्रवाई करके थले भेज दी, लेकिन नीचे थाने के लैवल के उत्ते जिहड़ा हैगा उन्हां दा पेपर वर्क कंप्लीट नहीं होया, जिहड़ा कि मैं समझदा बहुत वड्डी लैक है। अज असी 18-19 तरीक के पहुँच चुके हैं, 27 अगस्त की उत्थे लैटर आई हुई है। मैं जी गल कहनी चाहना, दो गल कहनी चाहनी। नंबर एक, मैं एक गल समझा कि प्रशासन की नाअहलीयत है, क्योंकि एक आम टैक्टिक्स चलते होंगे, उन्होंने पता कि व्यापारियों के कोल टाइम नहीं होंगे, ये अपना व्यापार देखेंगे, अपनी दुकानदारी देखेंगे या जाके थाने बैठे रहेंगे, ये वेले लोग नहीं है। मैनू इत्थे लगता कि सानू व्यापारियों लई जिहड़ियां असीं जदों गल्लां करदे आं, असीं इनवैसट पंजाब वर्गियां बहुत वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे आं, तां व्यापारी दी साडी इस ग्रीवेंस नूं भी बड़े वधिया तरीके नाल और बड़ी प्रॉम्प्टली हल होना चाहिए सीगा। वह क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि पता कि व्यापारियों कोल टाइम है नहीं और इन्हां दा कोई थाने कचहरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं हैगा, तो इस करके हरास हो रहे हैं सारे। इस करके असीं तुहाडी प्रेस दी मदद लई आ, मैं आया इमीजिएट दी परचा दर्ज किया जाए जी, परचा दर्ज किया जाए, बंदा अरैसट किया जाए, साडा कोई गुनाह ही नहीं। असी बंदे नूं पेमेंट की आ, असी टूर ते जाने लई तैयार बैठे हाँ, साडा टूर ही लग्गिया। जे नहीं परचा दर्ज हुंदा बदल कोई तुहाडी अगली कार्रवाई की होगी? पहला सब तो पहला जाके प्रशासन नूं मिलांगे जी, CP साहब नूं मिलांगे, और उस तो बाद कोशिश करांगे जिहड़े इत्थे लोकल नुमाइंदे चुने जा चुके ने, 6 MLAs बैठे ने, वो MLAs नूं पुछांगे दसो भी तुहाडे वादे कित्थे गए, तुसीं तां वादा कि असी घर घर आ के तुहाडी गल सुणांगे, जे उह साडी सुण नहीं आ सकदी उहनूं सुणाउण जावांगे। हर जो भी लोकतंत्रक तरीके का तरीका है वो भी वरतांगे और कानूनी प्रक्रिया भी वरतांगे नाल नाल, और ये भी नाल है। कल्ला ये नहीं कि अगर सानू लगता कि सानू, मैनू कोई ऐसी जी गल नहीं लगती कि सानू पुलिस प्रशासन नहीं दूगा इंसाफ, इस गल तो जस्टिफिकेशन सानू मिलेगा, सानू जस्टिस मिलेगा, बट तां भी जे इदां दी कोई गल लगती है असीं उस बंदे दे खिलाफ जिहड़ा लीगल कार्रवाई है वो भी अपने लॉयर साहब नाल गल करके अज ही करांगे, वो भी असीं इनिशिएट करांगे। हुण मेरे तो कहनू कहाने जी जिदा की पंजाब सरकार की कारगुजारी उह जी, पुलिस प्रशासन की कारगुजारी की करे पुलिस, पुलिस मजबूर है। जदों आए दिन कोई ना कोई कदे किसी MLA ने बुला लिया, कदे कोई मंत्री आ गया, कुछ हो गया, तो पुलिस करेगी की जी? ये तो कारगुजारी सरकार दी ढिल्ली आ, पुलिस दी थोड़ी ढिल्ली आ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.